Let's formally start the session. Today we are going to start new exercise, which is 5.2. One of the most important exercise of chapter number 5. बेटा इस exercise में हम factorization by two identities study करेंगे. दो identities इसमें apply करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि टॉपिक क्या है हमारा, फिर मैं एक्सरसाइज पर आऊंगा. एक्सरसाइज का आपको एक ओवरव्यू दूंगा. ये बेटा एक्सप्रेशंस रिड्यूसेबल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप अपने पास एडिंग शो कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 है, expressions reducible to a square minus b square. In this exercise, we will apply two identities. First, होगी बेटा a square plus minus 2ab plus b square, जो कि हम 5.1 में भी कर चुके हैं बेटा. इस identity के लिए आपके पास थ्री टर्म्स होंगी और उन थ्री टर्म्स में दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. ये जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों इस वक्त प्लस में है. ये दोनों जो प्लस में है, ये दोनों क्वेश्चन में माइनस में भी हो सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस वक्त ए भी प्लस में है, बी भी प्लस में है, तो इनके क्वेश्चंस में सेम साइंस होंगे. दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, दोनों माइनस में भी हो सकते हैं. अगर दोनों माइनस में होंगे तो फिर हम माइनस कॉमन करेंगे. क्या मतलब है मेरी बात का? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर, लेट सपोज के आगे प्लस 2ab है, माइनस बी स्क्वायर. अब प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लेते हैं पहले प्लस है, बाद में माइनस है, तो अब आप माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा. मतलब अगर दोनों माइनस में होंगे ना तो माइनस कॉमन कर लेंगे हम लोग, मिडल टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. तो वापस से मैं फॉर्मूले पर आ रहा हूं भाई. ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम साइन के साथ होंगे, तो हम इसे क्लोज कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर. अगर प्लस है, अगर प्लस टू ए बी है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर माइनस टू ए बी है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसकी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं, रिवाइज करवा दूं. जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन अगर लिखा हुआ है, तो आपने ही देखा कि एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक होल स्क्वायर है, एक्स होल स्क्वायर. नाइन है तो थ्री होल स्क्वायर. दो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, मिड में चेक करना पड़ेगा कि क्या टू ए बी है. तो वो चेक कैसे करते हैं बेटा? प्लस टू ए बी, ए क्या होगा एक्स, थ्री क्या होगा थ्री, कॉपी पेस्ट. तो चेक किया टू एक्स और थ्री सिक्स एक्स है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर्स बनाते हैं. x को यहां कॉपी पेस्ट, 3 को यहां कॉपी पेस्ट. अब हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे बेटा, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे तो ये बन जाएगा
by formula a square plus 2ab plus b square x plus 3 whole square. ऐसे ही अगर यहां होता माइनस 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 तो फिर मैं x माइनस 3 होल स्क्वायर क्लोज करता. एक एग्जांपल मजीद देता हूं मैं आपको, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये क्लोज होगा. तो ये बहुत ही सिंपल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और बीच में माइनस 2xy है, तो ये क्लोज हो जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर. एक एग्जांपल मजीद बता दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा. तो यहां बता रहा हूं मैं, अगर लिखा हुआ हो आपके पास a4 प्लस b4 और बीच में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, a4 है a स्क्वायर का स्क्वायर और b4 है b स्क्वायर का स्क्वायर, मिड में क्या आ जाएगा प्लस 2ab. तो ये a स्क्वायर यहां आएगा और b स्क्वायर यहां आने के बाद अब क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. बेटा ये आपको जो भी मैंने बताया ये कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपने देखना था, एग्जाम्पल्स में देखना था आपने. तो बात ही हो रही है हमारी, आप ये बात याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस b होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, पहली बात. दूसरी बात, हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो मैं वापस से अपने टॉपिक पर आ जाता हूं. हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्रेशंस रिड्यूसेबल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन दिस केस वी विल अप्लाई ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर. Then we will apply a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. तो हमें ये काम करना है. आज इस पूरी एक्सरसाइज के दो ही फॉर्मूले हैं. जल्दी से आप हेडिंग शो कर लीजिए एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्रेशन रिड्यूसेबल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये दोनों फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं. देखिए बेटा सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.2, अच्छा मैं आपको एक बार एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे दूं बेटा, एक्सरसाइज में है क्या. देखिए एक्सरसाइज में हम सबसे पहले करेंगे जो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6, 8 और 9 पहले हम ही क्वेश्चंस करेंगे. इन क्वेश्चंस में क्या होगा, 4 टर्म्स होंगी, हर सवाल में 4 टर्म्स होंगी, जो जो मैंने मार्क किए हैं उन सब में 4 टर्म्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, 4 टर्म्स कैसे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही इसको भी लास्ट वाली को देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 सिर्फ देखना है आपने. क्वेश्चन में हर टर्म्स में जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं उनमें 4 टर्म्स होंगी. 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 टर्म्स में से 4 टर्म्स होंगी और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे और उन 3 परफेक्ट स्क्वायर्स में से 2 परफेक्ट
स्क्वायर्स के सेम साइन होंगे, जो मैं कह रहा हूं अभी वो दिखाऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लें, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, दो टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वन परफेक्ट स्क्वायर होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो इस क्वेश्चन में तीन परफेक्ट स्क्वायर है और तीन परफेक्ट स्क्वायर में से दो परफेक्ट स्क्वायर के सेम साइन होंगे, दो परफेक्ट स्क्वायर के सेम साइन, ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस वन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों प्लस में है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2xy, ना x के ऊपर स्क्वायर ना y के ऊपर स्क्वायर, ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है, तो तीन परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन दो परफेक्ट स्क्वायर के साइन आपको सेम मिलेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो बस सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में फोर टर्म्स होंगी, तीन परफेक्ट स्क्वायर होंगे और दो परफेक्ट स्क्वायर के सेम साइन होंगे। अब इन बातों को मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। देखिए हम सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो अब आप अपने पास लिखिए क्वेश्चन नंबर एट, और इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई माइनस 49 जेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ओवरऑल फोर टर्म्स हैं, इन फोर टर्म्स में से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है भाई, परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माइनस 49 z स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तीन परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं तो इन दो के सेम साइन है, ये वाला माइनस में है माइनस 49 z स्क्वायर, जबकि इन दोनों के सेम साइन है, लिखना नहीं सिर्फ देखना है आपने। तो क्वेश्चन में आपको तीन परफेक्ट स्क्वायर मिले, दो के सेम साइन मिले, अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि ये जो जिन दो के सेम साइन है ना, इन दो को ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इन दो को ले लीजिए किसके साथ, अच्छा इस वाले को आप अलग निकाल दें, इन दो को इसके साथ लिखिए, वो तो ऑलरेडी वो तो अरेंज हुआ है, माइनस 49 जेड स्क्वायर। मैंने बस सिर्फ एक बार आपको समझाने के लिए सवाल किया, मैं करूंगा ये कि इन तीनों पर ये जो ओपोजिट साइन वाला है माइनस 49 जेड स्क्वायर जिसकी अलग ही रखा हुआ है, इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है मुझे, सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और पहला वाला फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equals to a plus b whole square। दरअसल plus 2xy था ना, इसीलिए plus 2ab वाला formula use किया। अब यहां मैं लिखूंगा बेटा x plus y whole square minus 49z square as it is। तो four terms में से ना एक वो perfect square जो opposite sign के साथ है उसको अलग कर लो, और जो दो सेम साइन वाले हैं उनको 2ab के साथ 2xy के साथ लेकर फॉर्मूला बंद कर दो a plus b whole square। इसके बाद अब क्या किया जाएगा बेटा, अब हम जाएंगे a square minus b square के फॉर्मूले की तरफ। तो उसके लिए देखो मैं लिखूंगा पहले x plus y का whole square, ये तो as it is रहा, माइनस के बाद 7z का whole square बनेगा, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस। हेलो सैयद अहमद अली अनम्यूट बेटा, आवाज आ रही है आपको, सैयद अहमद अली काइंडली अनम्यूट बेटा।
मोहम्मद उमर, मोहम्मद वकास, कोई मोहम्मद वकास बेटा आप अनम्यूट कीजिएगा, मोहम्मद उमर, यस सर, बेटा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरी आवाज अब आ रही है ना आपको? यस आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बात हम ये कर रहे थे, ये यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई थी कि हम क्या करेंगे, x plus y whole square minus 49 z square, 49 z square को हम लिखेंगे 7 z whole square, ठीक है, 7 z whole square लिखेंगे और इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a square minus b square का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए उठाइए एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद माइनस सेवन जेड होल स्क्वायर नहीं आता, देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या होगा बेटा, x प्लस वाई प्लस सेवन जेड बेटा, ये आपका आंसर है। आप ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है वो अनम्यूट कर सवाल पूछ सकता है। बेटा मैंने अलाउ किया हुआ है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टर्न ऑन योर माइक। अच्छा जी बेटा, हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पर हूं मैं, 8 के बाद में डायरेक्ट आ गया 6 पर। अच्छा जी, मोहम्मद वकास कह रहे हैं सर आप दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, आवाज कट रही थी, बहुत शुक्रिया बेटा। तो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस 49 जेड स्क्वायर, अच्छा जी। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास फोर टर्म्स थी, एक दो तीन और चार, इन तीनों में से ये दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के थे और एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस का था, तो मैंने इन दो को इसके साथ लेकर इसको तो हम अलग ही निकाल देंगे, इन तीनों पर वर्कआउट करेंगे, इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट, और बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके लिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 z स्क्वायर को मैंने लिखा 7 z होल स्क्वायर, फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर प्लस 6 ए सी। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक स्टूडेंट आ जाए, मैं उसकी हेल्प लेना चाहूंगा यहां पर। मोहम्मद उमर बेटा आप आइए। सर सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में दो एक दो और तीन, तीन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इनमें से दो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे हैं जिनके साइंस सेम हैं, कौन कौन से हैं? यस, ए स्क्वायर प्लस नाइन सी स्क्वायर।
ये दोनों सेम साइन वाले हैं, ये जो ओपोजिट वाला है वो अलग हो जाएगा, ओपोजिट वाला अलग हो जाएगा। सबसे पहले आपने अरेंज करना है, तो ए स्क्वायर प्लस नाइन सी स्क्वायर के बाद क्या लिखूंगा मैं, सिक्स ए सी माइनस का बी स्क्वायर आखिर में। अच्छा जी, इसके बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना इन तीनों पर वर्कआउट करना है, और वर्कआउट क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और माइनस का बी स्क्वायर को नहीं छेड़ो बेटा। अब बताइए उमर कि ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे यहां पर, ए होल स्क्वायर, नाइन सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, थ्री सी होल स्क्वायर, सिक्स ए सी है बेटा। तो ये यहां से देखकर कभी भी नहीं होता, ये कॉपी पेस्ट होता है, ये ए यहाँ आएगा और थ्री सी यहाँ आएगा, थ्री सी यहाँ। तो मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने थ्री थ्री सी। अब हम बताएंगे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो अब फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज, ए ए है और बी इस वक्त थ्री सी है बेटा। अच्छा जी, अब हम इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थैंक यू बेटा उमर। एक मिनट बेटा, आप टर्न ऑफ कर लीजिए बेटा, म्यूट करें आप। नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस थ्री सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस थ्री सी और बी को ले लीजिए बेटा, ये माइनस आया और ए प्लस थ्री सी ये प्लस आया बेटा, ये आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहो तो आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते, जो जरूरी नहीं है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट करें क्वेश्चन। ओके जी बेटा, आपके ऐसे कोई सवाल नहीं आ रहा, इसका मतलब सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, गर्ल्स में से बेटा कोई भी आ जाए और एग्जाम्पल नंबर वन में मेरी हेल्प करें। ऐसे नहीं आएंगे आप लोग। वाइबा मुजाहिद, जैनब नकवी, उमरा जावेद, तीन गर्ल्स के मैंने नाम लिए, जल्दी से आ जाइए। उमरा जावेद, वाइबा मुजाहिद, जैनब नकवी, बेटा यू कैन टर्न ऑन योर माइक। दानिया नजीब, मोहम्मद वक्कास, बेटा आप आ जाइए बेटा, गर्ल्स की तो पुअर परफॉर्मेंस है। मोहम्मद वक्कास, लुकेश कुमार, आइए बॉयज आप लोग आ जाइए।
क्या बात है भाई, एग्जाम्पल वन पूछनी है मुझे। मोहम्मद उमर बेटा आप टर्न ऑन करें। यस। अच्छा जी यार, क्या बात है, ये बच्चों को आवाज नहीं जा रही या बच्चे नींद में? सो रहे होंगे जी, सो रहे होंगे शायद। हाँ यही बात हो सकती है, सो ही रहे होंगे। चले ठीक है यार, हम दोनों मिलके सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अगेन आपने देखा कि एक दो और तीन, तीन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन तीन में से ये बताओ कि ओपोजिट साइन वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? माइनस वाई स्क्वायर। माइनस का वाई स्क्वायर, तो उसको हम अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट होगी 9x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 6xz। माइनस का वाई स्क्वायर बेटा बाहर चला जाएगा, और इन तीनों पर अब आप a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आगे चलकर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कीजिएगा। उमर बेटा ये आपसे हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, चले यार ये एक मैं करवा देता हूँ, इससे आगे फिर मैं होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। तो इसे अब आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला एज इट इज। इसको अब आप लिखिए बेटा 3x का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर, 3x z, और z। ठीक है बेटा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है z स्क्वायर, बाकी आगे कॉपी पेस्ट, 2 3 जा 6 x z बन गया। अब आपने क्या करना है बेटा, 19। इसके बाद बेटा क्या करना है आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसे आप क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब उमर बेटा फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर कैसे बंद होगा, क्या अंदर आएगा? 3x प्लस z। अच्छा जी, माइनस का y स्क्वायर एज इट इज। दरअसल ना यहां से लेकर यहां तक तो ये फॉर्मूले में चला गया, और माइनस का y स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस z। आज के सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है, 3x plus z minus y, 3x plus z plus y। दरअसल ये स्क्वायर छोड़ करना 3x plus z, और y को लेकर माइनस और प्लस करना है। अच्छा जी, अब बताइए 2000 का क्वेश्चन कैसे होगा? लोकेश कुमार, मोहम्मद वकास, कोई और बताना चाहेगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या उमर आप ही बता दो? ये भी उसी तरह ही होगा। हाँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और वन तो होता ही परफेक्ट स्क्वायर है। इन तीनों में से दो परफेक्ट स्क्वायर जो सेम साइन वाले हैं वो एक साथ आएंगे, और जो ओपोजिट वाला है वो बाहर निकल जाएगा। ओपोजिट वाला बाहर निकल जाएगा जी, और वो ऑलरेडी अरेंज है। तो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का y स्क्वायर। अब आप इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर उसके बाद ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देना। ये अब आप खुद कर लीजिए, शाबाश, इसकी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। अरे अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उमर जल्दी से, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप सिर्फ दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। बेटा नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास। ये क्वेश्चन थी बेटा एज इट इज ही हो रहे हैं,
एक 2003 का क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 4 और ये माइनस का वाई स्क्वायर, तीन परफेक्ट स्क्वायर है और इनमें से दो परफेक्ट स्क्वायर जिनके साइन सेम है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर आएगा प्लस 4x माइनस का वाई स्क्वायर अलग, इन तीनों पर फॉर्मूला लगाइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर आगे चलकर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यकीनन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 तीन परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन दो परफेक्ट स्क्वायर जिनका साइन सेम है वो क्या है ए स्क्वायर और 1। तो मैंने लिखा पहले ए स्क्वायर फिर 1 फिर माइनस का 2a और माइनस का बी स्क्वायर बाद में। अब आप इन तीनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिएगा। सब क्वेश्चन बेटा एज इट इज हो रहे हैं, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बाकी को ट्राई कीजिएगा। चलिए जी मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा जी हम कहां तक कर चुके हैं, हम क्वेश्चन 1 तक 2003 क्वेश्चन 1 अच्छा जी इसके बाद अब मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल लिख रहा हूं यहां पर, आप ये नोट कर लीजिए मैं हिंट दूंगा बाकी आपको ट्राई कीजिएगा। ईयर है इसका 1996। क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे अरेंज, पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर फिर 1 फिर माइनस का 2x फिर माइनस का वाई स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, जी बेटा ये सब कॉपी में करना है, पहले मैं ये परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर इन तीनों में से दो जिनके सेम साइन है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 उनको मैंने अरेंज किया, माइनस वाई स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला। अब इन तीनों पर काम कर लीजिएगा, पहले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आगे सॉल्व ऑफ हो जाएगा। तो आप आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर, बुक का क्वेश्चन 2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर है और इन तीन परफेक्ट स्क्वायर में से दो परफेक्ट स्क्वायर जिनके सेम साइन है
वो ये है। और अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दो परफेक्ट स्क्वायर जिनके साइन सेम है, वन का साइन प्लस है, तो अब आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से माइनस कॉमन किया प्लस हो गया, वाई स्क्वायर से माइनस कॉमन किया प्लस हो गया, प्लस टू एक्स वाई से माइनस कॉमन किया तो हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई। तो बेटा एक टर्म बाहर रहती है और तीन टर्म फॉर्मूले में चली जाती हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अप्लाई कर दो, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब तवज्जा फरमाइए इस स्टेप में, वन माइनस एक्स माइनस वाई, ये मैंने किया ए माइनस बी, अब मैं कर रहा हूं वन प्लस एक्स माइनस वाई, ये किया मैंने ए प्लस बी। लेकिन ये मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और वन प्लस एक्स माइनस वाई। बेटा ये आपका आंसर है। इसके बाद बेटा बस अभी इतना ही रखते हैं, मैंने कहां तक करवा दिया, क्वेश्चन टू तक करवा दिया, फिर मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा आपको। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं क्लास यहां पर एंड करूंगा। मोहम्मद वक्कास अनम्यूट बेटा। यस जी वक्कास बेटा, आपको समझ आया आज की क्लास का? यस वक्कास, कोई कंफ्यूजन? जी सर आ गया। ठीक है बेटा, नो कौन है नो वाला भाई को? अच्छा कोई कंफ्यूजन तो उस पे नो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया बेटा, थैंक यू। तो बेटा हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।